बड़ी कृपा करना। What's up beautiful people, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो जैसा कि हमने आपसे किया था प्रॉमिस कि हम एक रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो आज से हमारी एक नई रोड ट्रिप शुरू हो चुकी है। डेस्टिनेशन का आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा डिसाइड करके क्योंकि मेरी हमेशा ऐसे ही प्लान करता हूँ कि मैं घर से निकलता हूँ, रास्ते में प्लान करता हूँ कि मुझे किस तरफ जाना है। तो आज की प्लानिंग, अभी मैं करीब थोड़ा दिल्ली से बाहर निकलूँगा, बस ये प्लान कर लेता हूँ स्टेट कौन सी है, क्योंकि अगर मुझे उत्तराखंड साइड जाना है तो मुझे वाया गाजियाबाद से होते हुए जाना पड़ता है, लेकिन अगर मुझे हिमाचल साइड जाना है तो मुझे मूर्थल अलीपुर साइड से जाना पड़ता है। तो बस स्टेट डिसाइड करता हूँ, लोकेशन एग्जैक्ट जो है वो मैं वहीं पे डिसाइड करता हूँ थोड़ा रास्ता क्रॉस करके कि कहाँ का मूड है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, देखते हैं थोड़ा आगे जाके कि कैसा क्या प्लान बनता है। आपको मिलते हैं अभी पेट्रोल रिफिल करवा के, फटाफट से पहले पेट्रोल रिफिल करवा लेते हैं ताकि हम आगे अपनी डेस्टिनेशन को डिसाइड कर सकें कि कहाँ जाना है। भैया जी फुल कर दो। तो वैसे मैं बताऊं तो मेरी तीन लोकेशन, दो लोकेशन डिसाइड हैं। फुल कर दो, जीरो भी देख लेंगे। सो अभी जैसा मैंने बताया कि मेरी दो लोकेशन डिसाइड हैं, या मैं जाता हूं कश्मीर या मैं और कोई, वैसे माइंड में आ नहीं रहा, तो कश्मीर फाइनल करते हैं। अभी चलते हैं हम सीधा कश्मीर की तरफ, चलो फटाफट से। ठंडा ठंडा मौसम है, अभी तो कश्मीर की वादियों में पहुंचना है, ठंड तो तब शुरू होगी। कल रात की नींद बहुत ही ख़राब सी हुई है क्योंकि मैं रात को गया हुआ था किसी पहाड़ी पे, तो वहाँ हमारी पहाड़ी चल रही थी, पहाड़ी ख़त्म करके मैं रात को 2 बजे घर पर आया हूँ, 2 बजे आके सोया हूँ, 5 बजे उठ गया, 5 बजे उठ के राइड के लिए रेडी। तो अभी फटाफट से कहीं करीब, पहला स्टॉप मैंने लेना है 100 किलोमीटर के ऊपर, अभी मैं 12 किलोमीटर चला चुका हूँ। हम घर से निकले थे 36,128 के करीब, तो यहाँ मेरा 13 किलोमीटर चल चुका है। अमरीक सुखदेव यहाँ पे आ जाए तो समझ लो कि हमने घर से 55 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है, क्योंकि मेरे घर से जो अमरीक सुखदेव पूरा एग्जैक्ट 55 किलोमीटर दर काउंटेड, तो 55 किलोमीटर हो चुके हैं। अभी बढ़िया से मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, गर्मी ज़्यादा है नहीं, तो क्योंकि देखो जर्नी में क्या होता है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम जो दिल्ली है, दिल्ली जल्दी से जल्दी कवर कर ले। दिल्ली तो खैर काफ़ी देर होगी कवर किए हुए क्योंकि कहीं जाम ना मिले, तो उसी वजह से मैंने वैसे सोचा था कि मैं 5 बजे निकलूँगा, बट मैं निकला हूँ 7 बजे क्योंकि रात को लेट हो गए थे। यहाँ पे एक्सीडेंट देखो, ये ट्रक पलटा हुआ है, बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था। तो जो ये अनाज की बोरियां या इस तरह से जो ट्रैवल होता है ना, तो ये बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है इनके लिए, बट क्या करें, जॉब इज़ जॉब। मैं आगे से एक छोटा सा कट लेके सर्विस लेन में वापस आया हूँ, आपको एक चीज़ दिखानी थी और मुझे भी देखनी थी। बेसिकली अभी आप मेरे राइट साइड पे देखोगे तो ये है द लेजेंड खली का जो रेसलिंग सेंटर है, जहाँ पे वो रेसलिंग करवाते हैं, ये वो जगह है। तो मैंने भी पहली बार देखी है यहाँ पे। ओके नो,
अरे ये माइट भी हो सकता है कि उन्हीं का रेस्टोरेंट खुल रहा है नया, तो बाहर से जब मैं देखा तो खाली उनकी फोटो लगी थी, तो आई थॉट कि रेसलिंग हो का सेंटर होगा, बट यहाँ पे उनके नाम से ढाबा बनाया जा रहा है, तो माइट भी हो सकता है उन्हीं का हो। जब ओपन होगा तो पता लगेगा। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ CWE स्पोर्ट्स एकेडमी द ग्रेट इंडियन खली ढाबा, राइट। तो ये उन्हीं का है, तो जबरदस्त, क्या बात है। तो मैंने ये देखना था इसलिए मैंने कहा चलो छोटा सा एक टर्न ले लेते हैं और देख लेते हैं। एक स्टॉप लिया है तो कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट देखते हैं और कुछ बढ़िया से खाते हैं। तो इसके बाद आगे कितनी किलोमीटर बाद रुकते हैं पता नहीं। अगर आपको याद हो, आज से करीब साल पहले मैं चंडीगढ़ गया था तो इसी ढाबे पे रुका था, याद आ गया मुझे। तो अभी अच्छे से पराठे वराठा खा लिया है, तो अभी बाइक देखो यहाँ पे बाइक कैसी लग रही है। इस बार मैंने कवर लगवा ली है। बेसिकली हुआ क्या था लास्ट टाइम कि कवर ना होने की वजह से बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इस बार कवर कवर के साथ है ट्रेवल। और आगे टैंक बैग अभी अंदर पड़ा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है सो फॉर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चल रही है जर्नी। तो अब आगे चलते हैं। मेरा आज का प्लान है कि मैं पटनी टॉप जाके स्टे करूँ, कोशिश है मेरी पटनी टॉप तक स्टे कर लूँ। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो 8 बजे तक जहाँ पे भी पहुँचे होंगे हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तो अब टाइम बिना वेस्ट करते हुए फटाफट से निकलते हैं आगे और देखते हैं अब हमारी जर्नी आगे कहाँ रुकेंगे। पेट पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, अब निकलते हैं हम। अब करीब 200 किलोमीटर के बाद कोई स्टॉप लेना है। 200 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है हमारा, अब 200 किलोमीटर के बाद स्टॉप होगा। नहीं, अभी 200 नहीं हुआ, अभी 190 किलोमीटर हुआ है, 180-90 किलोमीटर हुआ है। आहा, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। किसी भी राइड का जो फर्स्ट डे होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि दिल्ली से सीधी सीधी सड़क है। तो अभी करीब जालंधर बचा है कुछ 70 किलोमीटर, और अपना पटनी टॉप मेरा स्टॉप है जो मैंने प्लान किया है कि फर्स्ट स्टॉप मैं पटनी टॉप लूँगा, मतलब नाइट स्टे। बट पटनी टॉप यहाँ से है 350 किलोमीटर अभी, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी, देखते हैं कि वो होता है या नहीं होता। अगर हो गया तो स्टे वहाँ करूँगा, अगर नहीं हुआ तो बीच में कहीं पे स्टे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अभी और खींच के अपना कंप्लीट कर लूँ और पट्टी टॉप में स्टे करूँ, क्योंकि जो मैंने प्लान किया है कि किधर किधर स्टे करूँगा अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको डे वाइज बताता रहूंगा कि हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। बट फर्स्ट स्टॉप पटनी टॉप कोशिश। तो अभी ना थोड़ा सा रास्ते से भटक गए थे। बेसिकली मुझे किशनगढ़ से मुड़ना था, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे सीधा चले गया था करीब 3 से 4 किलोमीटर। देन आगे अच्छा हुआ वहाँ पे पेट्रोल पे रिज़र्व लगा, मैंने पेट्रोल डलवाने के लिए रुका। तो मैंने पूछा और GPS दोबारा से चेक किया, तो वो पीछे से रास्ता भी दिखा रहा था, आगे से भी दिखा रहा था। तो आगे से जो रास्ता था वो वाय अमृतसर जाता है, तो वो बहुत लंबा पड़ेगा, वो कोई तुक नहीं थी वहाँ से जाने की। तो इसलिए फिर वापस थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर वापस आके अब किशनगढ़ के अंदर से रास्ता ले रहे हैं, लिया है। पीछे एक रास्ता और जाता है जो जलंधर वाली रोड से जाता है, वो भी एक रास्ता है, एक ये भी रास्ता है। तो मैंने ये वाला रास्ता चुना है क्योंकि जिसने मुझे बताया उन्होंने कहा कि पहले आप जलंधर जाओगे फिर आप वहाँ से मुड़ोगे, इस तरह आप किशनगढ़ से चल जाओ, अंदर अंदर से साफ सड़क है, कोई दिक्कत नहीं है और सीधा आप वहीं पर मिल जाओगे। तो प्लान चेंज करके मैंने सीधा किशनगढ़ से जा रहा हूँ।
तो अभी शिमला बचा है 250 या 45 किलोमीटर, 45-50 ऐसे ही कुछ है, तो लेट्स सी कि हो जाएगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। तो अभी रास्ते में बैठ के रोड साइड चाट पापड़ी खाई जा रही है, दिल कर रहा था कुछ करारा खाने का, इसलिए चाट पापड़ी खा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अभी करीब है 180-190 किलोमीटर, फटाफट से करते हैं, उसके बाद देखते हैं, दूर दूर है काफ़ी। तो ये मेरी ना सबसे ये लॉन्गेस्ट जर्नी अभी तक, इससे लॉन्ग जर्नी मैंने एक दिन में नहीं ट्रैवल करी है, तो ये अभी तक मेरी सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी होगी इन वन डे। लेट्स सी देखते हैं कि कंप्लीट होती है या हमें बीच में स्टॉप लेते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ से मेरी जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ से कटरा है कुछ 168 किलोमीटर, तो लेट्स सी, देखो कटरा से आगे कितना है, अप्रॉक्सीमेटली लगा लो, कटरा तो जम्मू में ही है, हमें जाना है पटनी टॉप देखते हैं, लेट्स सी, मेरे को कंफर्म नहीं है अभी। मैं ना कुछ थोड़ा सा प्लान में सोच रहा हूँ कि शायद मैं पटनी टॉप ना जाके मैं जम्मू ही चले जाऊँ, मतलब प्रॉपर मेन जम्मू में, बट अभी वहाँ जाके थोड़ा देखूँगा कि कितने बजे पहुँचता हूँ जम्मू, क्योंकि पटनी टॉप वहाँ से थोड़ा और आगे है, सो अगर टाइम पे सही टाइम पे रहा तो पटनी टॉप निकल जाऊँगा, अगर नहीं तो फिर जम्मू स्टे कर दूँगा। और एक और चीज़ बताऊँ तो अभी नहीं, एक्चुअली अगर ये आज की जो मैंने अज्यूम किया था अगर वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि मेरा जो मैं आगे करना चाहता था, बट वो मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि इस मौसम में मैं यहाँ पे ट्रैवल करना चाहता था, जैसे मौसम चेंज होगा ना तो एक और जगह है डेस्टिनेशन जो मैंने ट्रैवल करनी है, लेकिन वहाँ का मेरा टारगेट है कि वहाँ मैंने एक दिन में पहुँचना है, हिल स्टेशन टाइप ही कह सकते हो, हिल स्टेशन नहीं है लेकिन टूरिस्ट प्लेस है। अभी डे कंप्लीट होगा, अगर अच्छे जो मैंने सोचा है वहाँ तक मैं ट्रैवल कर लिया तो मैं बताऊँगा, नहीं तो वो बात मैं अपने अंदर ही रखूँगा, आप लोगों को नहीं बताऊँगा, आप लोगों को तब पता लगेगी जब मैं वो करूँगा। अभी जस्ट मैं जैसे ही एंटर होने लगा था उससे ही पहले मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया, उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जम्मू जा रहा हूँ, कह रहा आगे, मैंने कहा कल जाऊँगा कश्मीर, कह रहा यूट्यूबर हो, मैंने कहा हाँ जी, कह रहा ठीक है जी जाओ, उन्होंने जाने दिया, बहुत अच्छे से बात करी, बहुत मतलब अच्छे से पूछा, उन्होंने बेसिकली कैमरा देख के उनको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता, कईयों को कैमरा देख के इंटरेस्ट आ जाता, तो इसलिए उन्होंने रोक के मुझसे पूछा। जब मैंने बताया उन्होंने कहा चलो गो ऑन। सो अभी कुछ 90 किलोमीटर बचा है जम्मू, पटनी टॉप बचा है करीब 156 किलोमीटर, लेट्स सी क्या प्लान होता है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ कि मुझे अगला स्टॉप लेना है सोनमर्ग, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, अभी एक बार रुकूंगा कहीं, रुक के थोड़ा सा प्लान करूंगा कि क्या करना है, फिर उसके बाद डिसाइड करता हूँ। अभी एक काम करता हूँ, 10-15 मिनट बाद एक स्टॉप लूँगा, डिसाइड करके फिर आपको बताऊँगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, राइट, हाँ फाइनली पेट पूजा भी हो गई और अपना जो डिसीजन लेना था वो मैंने ले लिया है। तो मैंने प्लान क्या किया है कि मैं पटनी टॉप की जगह जम्मू ही रुकूंगा, क्योंकि पटनी टॉप मैं जा ही नहीं रहा, कल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग चल जाता है रास्ता, कल देखूंगा, अगर ज़्यादा रास्ता ना हुआ तो देख लूँगा, अभी मैं जम्मू या जम्मू से थोड़ा और क्रॉस करके वहाँ पे रुकूँगा,
तो जम्मू है करीब यहाँ से 70 किलोमीटर, तो कोशिश है कि 1.5 घंटे में हो जाएगा मैक्सिमम। जम्मू है यहाँ से 35 किलोमीटर और हमें मिला है रज रज के जाम, साथ में है हमारे ऊंट, बोले तो कैमल। सो ये वाली सड़क खराब है बहुत ज़्यादा। पीछे पूरे रास्ते में मेरे को दिल्ली से कोई भी सड़क ऐसा जैसी ख़राब नहीं मिली, बस ये ही सड़क है जो उनसी थोड़ी बहुत ख़राब है। और यहाँ पे जस्ट यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हुई हैं, क्योंकि अब तो अंधेरा है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट एक्चुअली मैं देख पा रहा था कि थोड़ी बहुत पहाड़ियों का शेड दिख रहा था। नंबर प्लेट 1 Welcome to Jammu and Kashmir, a bike without a number plate. तो अभी एक बोर्ड आने वाला है, लेट मी चेक कि कहां कहां से और क्या क्या रास्ते बनते हैं। कुंजवानी, गंगवाल, सतवारी, ग्रेटर कैलाश, ओए 2 किलोमीटर, मैं तो 600 किलोमीटर कर रहा हूँ। तो ये ग्रेटर कैलाश जम्मू एंड कश्मीर में भी है। ये माय फ्रेंड, मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि आपको पट्टी टॉप जाना है अगले दिन, तो उसके लिए 2 रूट हैं। एक रूट पीछे से बाईपास से होता है और एक रूट यहाँ मेन जम्मू सिटी से होता हुआ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, उन्होंने कहा रास्ते दोनों अच्छे हैं, जो मेन सिटी से है वो थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने कहा ठीक है अंकल, इतना अगर हम दूर आए हैं तो हम जम्मू मेन सिटी में रहेंगे रात को और वहीं से आगे की जर्नी कल की शुरुआत करेंगे। कल की शुरुआत में आपको जहां मैं लेके जाऊंगा, पटनी टॉप तो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा भी एक जगह है, वो है बहुत ही सुंदर जगह जिसके बारे में मैं भी नहीं बताऊंगा, वहीं पे जाके बताऊंगा। ओके बाय, अभी हम मिलते हैं होटल में। ऐसा अंकल ने बताया था, ये रूट भी है जो श्रीनगर पटनी टॉप होते हुए जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं जिस जगह जो मैंने सरप्राइज जगह कही ना, उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा था। अगर आप ढूंढ रहे हो तो उसका नाम कहीं नहीं लिखा, वो जगह अनएक्सप्लोर्ड है और मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह, बहुत ही सुंदर जगह है। सो आज की हमने राइड करी है, ये है 36787, मतलब कि हमने राइड करी थी 36128 से शुरू। सो हमने शुरू करी थी 36128 से, अभी है 36787 समथिंग, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया 650 किलोमीटर। तो वाओ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। बेसिकली मेरे पास एक प्लान है, मैं करना चाहता हूँ उदयपुर, लेकिन मैं करूँगा कैसे, सिंगल डे पे सीधा जाऊँगा मैं उदयपुर, जो कि है 800-850 किलोमीटर, जैसलमेर सॉरी उससे भी आगे 800-850 किलोमीटर, और वहाँ से करने के बाद वापसी में फर्स्ट डे पे सेम डे वहाँ पे जाऊँगा और नेक्स्ट डे से वहाँ से निकलूँगा और अलग अलग जगह ट्रैवल करता हुआ 10 दिन का प्लान करूँगा, राइट। तो मेरा ये बड़ा मन था, सिंगल डे में 850 किलोमीटर हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि ये 650 हो गया ना, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, उधर बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। अभी खाना अच्छे से खा लिया, अब ऐसे ही छत पे टहलने आया हूँ मैं, तो यहीं पे ये वाला रूम है मेरा, ये वाला, राइट। और अभी छत पे थोड़ा सा टहलता हूँ, फिर उसके बाद डेटा कॉपी करते हैं। आपको क्या करना है, और जिस चीज़ के लिए मैं बाहर गया था, जो लेंस क्लीनर लेने, वो नहीं मिला, बैड लक, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे कुछ ना कुछ अरेंज। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बाकी जो मर्जी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय बाय।